आज हम चिली पोटैटो बनाएंगे। उसके लिए 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इसे हम लंबाई में काट लिए हैं। इसे ज़्यादा मोटा भी नहीं काटेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं काटेंगे। इसे काट कर हम पानी में रखे हैं। पानी में रखने से काला नहीं होगा। एक प्याज लिए हैं, इसे भी लंबाई शेप में काट लिए हैं। एक शिमला मिर्च लिए हैं, इसे भी लंबाई शेप में काटे हैं। लहसुन लिए हैं, इसे बारीक काट लिए हैं। 3 हरी मिर्च लिए हैं, इसे भी काट लिए हैं। 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस लिए हैं। 3 चम्मच टोमेटो सॉस लिए हैं। 2 चम्मच डार्क सोया सॉस लिए हैं। 1 चम्मच विनेगर लिए हैं। सबसे पहले हम आलू को उबाल लेंगे। पानी गर्म हो गया है, इसमें आलू डाल लेंगे। एक चम्मच नमक डाल लेंगे। आलू में नमक डाल के उबालने से आलू में नमक अंदर तक चला जाएगा। आलू को 3 से 4 मिनट तक उबाल लेंगे। इसमें का जो भी स्टार्च हो वो निकल जाएगा। इसे उबालते हुए 4 मिनट हो गया है। इससे ज़्यादा इसे नहीं उबालेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे पानी से बाहर निकाल देंगे। आलू को उबाल कर मिक्सिंग बाउल में निकाल लिए हैं। इसके ऊपर से 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे। 1 चम्मच मैदा डाल लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पतला सा इसका कोटिंग हो जाए। पतला सूखा मैदा और कॉर्नफ्लोर से कोटिंग हो जाएगा तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। इसे हम रख देंगे और इसके लिए बैटर बना लेंगे। बैटर बनाने के लिए 3 चम्मच मैदा लेंगे। तीन चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे। एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। 1/2 चम्मच नमक डाल लेंगे। नमक हम कम ही डालेंगे, आलू उबालते टाइम भी नमक डाले थे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। इसे ज़्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाएंगे। बैटर को हम तैयार कर लिए हैं। इसे ज़्यादा पतला भी नहीं रखें और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब इसमें जो आलू उबाल कर रखे थे उसे डाल लेंगे। इसका कोटिंग अच्छे से हो गया है। इसे हम अब फ्राई कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें अब एक एक करके आलू को डाल लेंगे। इसमें एक साथ आलू को नहीं डालेंगे, एक साथ डालने से ये चिपक जाएगा। इसे पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे।
अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे हम अब निकाल लेंगे। इसे दो बार फ्राई करना है, इसीलिए पहले बार में ही इसे रेड नहीं फ्राई करेंगे। दो बार फ्राई करने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अभी भी इसका आप आवाज़ सुन सकते हैं कि कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तेल को दोबारा अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद इसे फ्राई कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसे हम दोबारा फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं कि रेड फ्राई हो गया है, इसे भी निकाल लेंगे। चिली पोटैटो हम बना लेते हैं, उसके लिए कढ़ाई लिए हैं, इसमें तेल डाल लेंगे। हरी मिर्च डाल लेंगे, लहसुन डाल लेंगे, एक चम्मच तिल डाल लेंगे, प्याज डाल लेंगे। प्याज को एक मिनट फ्राई कर लेंगे। प्याज को एक मिनट फ्राई कर लिया है, इसमें शिमला मिर्च डाल लेंगे। शिमला मिर्च डालकर भी एक मिनट और फ्राई कर लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। विनेगर डाल देंगे। डार्क सोया सॉस डाल देंगे। ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे। टोमेटो सॉस डाल देंगे। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर में पानी मिला करके इसे डाल लेंगे। इसे डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसमें अब हम आलू जो फ्राई करके रखे थे उसे डाल देंगे। गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे।
चिली पटेटो बनकर तैयार हो गया है, इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। ऊपर से तेल डाल लेंगे। देख सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है देखने में, खाने में भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको जब भी थोड़ा चटपटा खाने के मन करे तो आप इसे बना करके खा सकते हैं। आप भी बनाइए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि कैसा बना। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।